बच्चों, मैं हूं अलका और आप सुन रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है बूढ़ा आदमी। अफ्रीका के एक गांव में अकिम्बा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। एक बार उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगा, ना तो मेरे पास खाना है और ना ही पैसा। लगता है मुझे गांव से बाहर जाकर ही कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। यह सोचकर अगले दिन वह घर से निकला और घने जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते वह बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वह इतना थका था कि उसे तुरंत नींद आ गई। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। अकिम्बा, सो रहे हो? यह आवाज सुनकर वह चौंक कर उठ बैठा। उसने आसपास देखा, एक बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा था। उसने अकिम्बा से उसका हालचाल पूछा। तब अकिम्बा ने अपना दुख बताया और अपनी गरीबी की पूरी कहानी कह सुनाई। बूढ़ा आदमी अकिम्बा से बोला, देखो वहां सामने एक झाड़ी है, उसके पीछे एक गाय है, उसे घर ले जाना और कहना नू नू नू, तब तुम देखना। अकिम्बा गाय को घर ले आया और खुशी से रहने लगा। वह परिश्रम से जो कुछ कमाता गाय के साथ मिल बांट कर खाता। एक दिन उसने गाय के सामने खड़े होकर कहा, नू नू नू। चट एक सोने का सिक्का गाय के मुंह से निकलकर जमीन पर गिर गया। अकिम्बा बहुत प्रसन्न हो गया। कुछ समय के बाद अकिम्बा को 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। वह गाय को तो अपने साथ लेके नहीं जा सकता था, तो उसने सोचा, क्यों ना इसे अपने पड़ोसी बुम्बा के पास छोड़ आऊं। उसने बुम्बा से कहा, मित्र, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरी गाय रख लोगे? हाँ, क्यों नहीं, उसका मित्र बोला, मैं 2-4 दिन मेरे बच्चे भी दूध पी लेंगे इस गाय का। ठीक है, आकिम्बा बहुत प्रसन्न हुआ, मगर वो बोला कि तुम इसके सामने कभी नू 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 मत कहना। आकिम्बा ने उसको समझाते हुए बताया, मगर बुम्बा के मन में तो बहुत जिज्ञासा हुई कि अकिम्बा ने उसको ये शब्द कहने के लिए मना क्यों किया है। जैसे ही अकिम्बा गया, वैसे ही वह गाय के पास आया और बोला, नो नो नो। बुम्बा की आंखें तो आश्चर्य से फैल गईं। गाय ने मुंह खोला और सोने का सिक्का बाहर निकाल दिया। वह बहुत प्रसन्न हुआ, वाह, यह गाय तो रखने लायक है। कुछ दिन बाद अकिम्बा फिर वापस आया। जब उसने बुम्बा को धन्यवाद दिया और अपनी गाय मांगी, बुम्बा ने कहा, यह रही तुम्हारी गाय। अकिम्बा गाय लेकर घर आ गया। एक दिन उसे कुछ धन की जरूरत पड़ी। उसने कई बार अपनी गाय के सामने नू 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 कहा, लेकिन गाय ने सोने का एक भी सिक्का नहीं दिया। कई दिन बाद अकिम्बा उस बूढ़े आदमी की तलाश में जंगल की तरफ फिर निकल पड़ा। बूढ़ा आदमी उसी पेड़ के नीचे बैठा था। अकिम्बा ने पूछा, बाबा, क्या गाय एक ही बार सिक्का देती है? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, तुम्हें उस झाड़ी के पीछे एक भेड़ मिलेगी, उसे अपने घर ले जाना। उसके कान में कहना परू, फिर देखना। अकिम्बा खुशी खुशी भेड़ को घर ले आया। आते ही उसने भेड़ के कान में कहा, परू। भेड़ ने मुंह खोला और एक चांदी का सिक्का बाहर निकाल दिया। अकिम्बा खुशी से झूम उठा। उसने कई बार परू कहा और उसके पास चांदी के कई सिक्के जमा हो गए। वह अब बहुत धनवान हो गया। लेकिन अकिम्बा को फिर किसी काम से गांव के बाहर जाना पड़ा। वह बुम्बा के पास फिर से गया और अपनी भेड़ की देखभाल करने के लिए कहा। बुम्बा बोला, मैं इसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करूंगा, तुम
बिल्कुल चिंता मत करना, लेकिन बुम्बा एक बात का ध्यान रखना, इसके कान में कभी परू मत कहना, वरना बहुत बुरा होगा, अकिम्बा ने उसे चेतावनी दी। ठीक है, वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है, बुम्बा ने कहा। अकिम्बा के जाते ही बुम्बा भेड़ के पास गया और उसके कान में बोला परू, और तुरंत चांदी का एक सिक्का भेड़ के मुंह से बाहर आ गया। बुम्बा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे वाह, ये भेड़ भी रखने लायक है, उसने मन ही मन कहा। कुछ दिन बाद अकिम्बा फिर लौट आया। बुम्बा ने बिल्कुल वैसी ही एक भेड़ अकिम्बा को लौटा दी। उसने भेड़ के कान में बार बार परू बोला, लेकिन उसे चांदी का एक भी सिक्का नहीं मिला। अकिम्बा उदास हो गया। वह दुखी मन से गाय और भेड़ को जंगल में चराने चला गया। वहां बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। अकिम्बा ने उस बूढ़े आदमी को पूरी बात बताई। इस बार बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा कि इस झाड़ी के पीछे एक छड़ी है, उसे उठाकर घर ले आओ, ले जाओ। जब तुम उससे कहोगे डुलू, तो वह नाचने लगेगी। जब रोकना हो तो कहना हलू। अकिम्बा घर आया। वह काफी देर तक छड़ी को ध्यान से देखता रहा। अब उसे अपने मित्र के ऊपर शक हो रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा मित्र बुम्बा मेरे साथ धोखा कर रहा हो। सहसा उसके दिमाग में एक विचार आया। वह बुम्बा के घर गया और बोला, बुम्बा मेरे मित्र, मुझे फिर बाहर जाना है, क्या तुम इस बार मेरी छड़ी की देखरेख कर लोगे? बुम्बा तो इसी अवसर की तलाश में था कि अब की बार उसे क्या मिलने वाला है। वो खुश होते हुए बोला कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। उस बुम्बा ने पूरा विश्वास दिलाया उसको। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि भूल कर भी इसके सामने डुलू मत कहना, अकिम्बा ने बुम्बा को समझाया। अगर तुमने इसके सामने डुलू बोल दिया तो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। अकिम्बा यह चेतावनी देकर बुम्बा के घर के पीछे छिप गया। अकिम्बा जैसे ही नजरों से गायब हुआ, बुम्बा ने छड़ी से कहा डुलू। ये कहते ही छड़ी ने बुम्बा की खूब पिटाई शुरू कर दी। वे उसे पीटती गई, रुकी ही नहीं। बेचारा बुम्बा रो रो कर बोला, हाय हाय, कोई बचाओ, ये छड़ी तो मेरी जान ही ले लेगी, अरे कोई है। बुम्बा की सहायता के लिए पुकारने के बाद भी कोई आया नहीं और ना ही छड़ी रुकी। वो रुकती कैसे? अकिम्बा ने उसे रोकने वाला शब्द तो बताया ही नहीं था। अकिम्बा छिपकर सारा नजारा देख रहा था। कुछ देर बाद वह बुम्बा के सामने आया और बुम्बा से बोला, बुम्बा तुम मेरी असली गाय और भेड़ वापस कर दोगे तो ये अपने आप रुक जाएगी। नहीं नहीं, वे तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। तो ठीक है, फिर पिटते रहो तुम, कहकर अकिम्बा जाने लगा। तभी बुम्बा दर्द से कराहते हुए बोला, रुको अकिम्बा, मैं तुम्हारा सब कुछ लौटा दूंगा, मैं तुम्हारे सोने चांदी के सिक्के भी दे दूंगा, लेकिन पहले इस छड़ी को रोक दो। अकिम्बा ने कहा हलू। छड़ी का नाचना बंद हो गया, पर वह अभी भी सीधी खड़ी थी, जैसे अभी भी वो पीटने को तैयार हो। बुम्बा ने छड़ी को देखा और तुरंत गाय, भेड़ और सिक्कों से भरी थैली ले आया। अकिम्बा अपनी गाय, भेड़ और सिक्कों की थैली लेकर अपने घर आ गया। अब वह बहुत खुश था। उसके बाद अकिम्बा कई बार जंगल में गया। वह उस वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहता था, पर उसे वह दयालु बूढ़ा फिर कभी दिखाई नहीं दिया। शुभ रात्रि।